करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु वेख वेख के गुलाम खुश होने ने ओना नु इस चीज दा कोई डर ते खौफ नहीं है। मौत साडा इंतजार कर रही है, दुश्मन साडे उत्ते बैठे ने, साडा की होवेगा इस गल दी गम नहीं। नबी पाक नु वेख के गुलाम सब गम भुला दे ने। कमली वाला जो साडे नाल है ईमान वाले, जंगे बदर आगाज हो गया, मैदान के अंदर मुसलमान गए, लड़ाई शुरू हुई। हजरत मौला अली करम अल्लाह वजल करीम फरमाने नहीं, मैं जंग भी कर रही हूं, दुश्मन का मुकाबला भी कर रही हूं, ते बार बार कमी वाले की बारगाह विच भी आया जाया करना। कितने हौसले ते सबर वाले लोग ने, सानू अगर छोटी जी मुसीबत आ जाए, परेशानी रात हो जाए, सब कुछ भूल जाना, लेकिन कमली वाले दे गुलामां दी हालत नहीं है। मौला अली करम अल्लाह वजल करीम फरमाने ने, मैं मुकाबला भी कर रहा हूं ना, नबी पाक की बारगाह के अंदर भी बैठना देखना, ते नबी पाक नु देखिया, जद भी देखिया नबी पाक सर सजदे के अंदर रख के अल्लाह की तारीफ कर दे ने, ते दुआ कर दे ने, या अल्लाह एक थोड़ी जी दादा तेरी बारगाह के अंदर मैं पेश की दिए, या अल्लाह इन नु कामयाबी के नाल हम किनार फरमाई। जे आज ये लोग मारी गए, नाकाम हो गए, ते दुनिया के उत्ते तेरा नाम लेने वाला बाकी कोई नहीं लगेगा। इमाम अल-अंबिया के गुलामों हजरत मौला अली करम अल्लाह वजल करीम फरमाया, मैं देखिया नबी पाक हर लहजा साडे वास्ते दुआ करदे ने, हर नबी की दुआ कबूल होनी है, ते साडा नबी ते इमाम अल-अंबिया है। इमाम अल-अंबिया दे गुलामों जंग जारी है, एक सहाबी रसूल अर्ज करते ने कि मैं लड़न वास्ते जद भी अग्गे होया ना, ते मैनू कोई आवाज आनी है, मैं गौर नाल सुनिया, अपनी महज नूं दी आवाज आनी है, बार बार आवाज आनी है, जदों मैं करीब रहना ते दुश्मन